मगर भाई और 3-4 दिन ऐसे रहते ना, इसके भाई पूरे पैर को खा जाते। बेचारी ने फर्स्ट टाइम वैसा पप्पीज दिए, और गाइस देख लो कैसी हालत होगी इसकी। ट्रेनिंग वगैरह थोड़ी बहुत ही करवाऊंगे, क्या पता बीमार होगा रहा। ये कौन लोग सो है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋतिक डॉग कैनल। मेरे पीछे देखो कितना कड़ा युद्ध चल रहा, कभी सिम्बा ऐसा पिटा, कभी यो ऐसा पिटा। और गाइस ये बैठा हमारा रोकू, रोको आ जा नीचे चलेंगे, जल्दी आ जल्दी आ। तो गाइस अब कोको के पास चलते हैं। अरे 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 पिछवाड़े पे बुड़का भर लिया। अबे साले, ये बैठी हमारी कोको रानी। कोको रानी अपने पप्पीज के पास नहीं बैठी, थोड़ा लग लेट रही इनसे। पप्पीज सारे के सारे एक्टिव है। इस वाले पप्पी को मैंने कल उस देसी फीमेल का दूध पिला था, बट भाई बिल्कुल एक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है। आज भाई ने सभी को पिला दूंगा। पप्पीज को हाथों में लेते ही कोको आ गई तुरंत। कोको से भाई छुप कर ले जाना पड़ेगा, वरना भाई ले जान नहीं देने की। ले ले ले, कोको को लगा मेरे पप्पी से लेकर पता नहीं कहां उड़ गया वो। तो भाई हमारी कोको अटैक करनी है, वरना आज मेरा बुड़का भर लेती। सिम्बा भाई पहले भी सारे दिन गेट के पास रहता, और गाइस जब से देसी फीमेल आ रही तब से तो भाई यहाँ से हिलता ही नहीं, सारे दिन इसके नीचे बैठा रहे। दोनों को एक बार अंदर कर दिया, फिर भाई देसी फीमेल को बाहर निकाल लूंगा। आ जा भाई बिल्ला की, यहीं पे बैठी बिल्कुल गेट में। और गाइस नीचे कमेंट बॉक्स में नाम बताना इसका, कोई इतना मेरे पास रहेगी, इसका कोई बढ़िया सा नाम रखते हैं। आ जा बाहर आ जा। नहीं, मेन गेट खोल तो दिए, बस भैया कहीं भाग भाग ना जावे। पूछ का देखो कैसे एंटीना से हिल रहा इसका। अगर भाई कहीं को भाग के दूसरे इलाके में जा ली ना, वहाँ के कुत्ते लपेट देंगे इसे। हमारे घर के बाहर तो बस चिंटू रहे, चिंटू के साथ तो दोस्ती करवा देंगे इसकी। इस वाली लाइन से आगे खतरा है, यहाँ से आगे दूसरा इलाका स्टार्ट हो जा, यहाँ जा पिटेंगे वहाँ के कुत्ते। तो गाइस अभी सामने से 3-3 डॉग की गैंग आ गई। ओए यहाँ को मत आइयो। बस भाई थोड़ी सी दिक्कत ही नहीं, 3 डॉग की है। ये भाई कभी कभी आ जा हमारे वाले इलाके में, जिनके पीछे सारे दिन सिम्बा भागता रहे। ये भाई है, गेट खुलते ये सारे के सारे बाहर आने को रेडी हो रहे। सारे के सारे उस देसी फीमेल की तलाश में है। रोकू यहाँ है के वा? रोकू ये लग रहा पेड़ के ऊपर चढ़ गई। अरे यहाँ ना है। अच्छा ये तो बोल देख रहा। तो गाइस अभी चुपके से कोको के पप्पी से लेकर आता हूँ। कोको इतना यहाँ पे पानी वानी पी रही, देसी वाले फीमेल के नीचे दूध भाई थोड़ा कम है। कोको के नीचे तो पूरा दूध था, बट भाई इसके नीचे थोड़ा कम दूध है, इसीलिए भाई ज्यादा चौसी का पी नहीं रही है। अरे नीचे ना दाब लिए, लेट जा लेट जा, पहले वाली पोजिशन में लेट जा। या बिनू कहती होगी क्या हो रहा मेरे साथ, मेरे पीले तो 4 थे, 10 कैसे हो गए। अभी तक तो 2 ही आए, 4 तो बाकी है। अरे पीले ठंडा छोटा कर, धीरे से 2 पप्पी और उठा लाया। तो गाइस अभी 10-15 मिनट होगी सभी को लगे लगे, और गाइस अब आके तो कैडे पड़े मंड रहे, वरना भाई स्टार्टिंग में तो पी नहीं रहे थे। चारों को आप इस इलाका छोड़ दिया, और गाइस कोको को देखो कितने ध्यान से देख रही है, नु पूछ रही कहां जा लिए थे। रहा नहीं जाता। तो गाइस अभी खाना रख दिया, रात तो इसने खाना खाया नहीं था, बट भाई अब तो खा रही। खाना वाना खिला के बाहर छोड़ा था, बट भाई अब तो भाग गई। ले कल्लो गुड बाय, कुत्ते लपेट देंगे वहाँ के। इसे भाई यहाँ तक का मैंने इलाका दिखाया था ना, सीधी यहीं पे जाली। देख लो भाई इतनी दूर टॉयलेट करना आई थी। शाबाश बेटा। फिलहाल तो अभी घर चेक कर रही, थोड़ी सी खुल सी गई ना, रात तो भाई डर रही थी, बट भाई अब तो सारे मगो भागी फिर रही। तो गाइस ये वाले 2 पप्पी रह गए थे, इन दोनों को भी लगा दिया, आ रहा काउंट का चल दी। और गाइस बिल्कुल इसी के पास बैठा, क्या पता अटैक वटैक कर दे। तो गाइस अभी इन्होंने भी दूध पी लिया, और गाइस शिवम इसे देख कर चौंक गया, कह रहा है कहां से लिया, है नहीं बढ़िया क्वालिटी के, 10,000 के लाभ। इनमें से एक पप्पी के ऊपर तो मेरा भी ध्यान गया, इसके भाई एक पैर में गड्ढा हो रहा बहुत गहरा। ये देखना भाई कितना गहरा गड्ढा हो रहा, शायद भाई कीड़े वगैरह भी हो रहे इसके। इसका तो भाई बुरा हाल हो रहा, देखना भाई कितने ज्यादा कीड़े हो रहे पैर में। छोटा सा पिल्ला वैसे हो गया, बिल्कुल कीड़ों से भरा पड़ा अंदर। पहले तो भाई ना छुट्टी से उन्हें बाहर निकालता हूँ, फिर दवाई लगाऊंगा। दवाई तो डाल दी, अब भाई थोड़ी बहुत देर में मर जाएंगे, फिर भाई इसके सारे निकाल दूंगा। ओहो छोटे से पिल्ले के कितने कीड़े हो रहे, ये तो जो पता ना चलता खा जाते। बस 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 बस, अगर भाई और 3-4 दिन ऐसे रहते ना, इसके भाई पूरे पैर को खा जाते। ओ भाई साहब, ओ भाई रे, अच्छा हुआ भाई मैंने ले आया यहाँ पे, वरना भाई एक और ऐसी चोट लग रही, उसके भी कीड़े हो जाते। ये देखना भाई कितने सारे कीड़े, इतने तो भाई किसी बड़े कुत्ते के भी नहीं होते। इस छोटे से पिल्ले के पैर में से निकले इतने सारे कीड़े, कीड़े अंदर ही अंदर सब कुछ खा जा, देखना भाई कितना बड़ा गुच्छा निकला। तो भाई सब इसके पैर में हल्दी भरते हैं अच्छे से, पहले दवाई लगा दी थी कीड़े मारने वाली, अब भाई हल्दी भरते हैं। वैसे तो भाई कीड़े इसके अंदर रहे नहीं, सारे के सारे बाहर निकाल दिए मैंने। खत्म। रात भाई अंधेरे में मेरा ध्यान नहीं गया, वरना रात ही ट्रीटमेंट कर देते। व्हाइट वाले पप्पी के ऊपर तो गया था, उसका तो भाई मैंने हल्दी लगा दी थी। इतना ही वजन तो भाई कीड़ों में है, इतना ही वजन इसमें था, देखना भाई शरीर के हिसाब से कितने सारे कीड़े निकल गए। तो भाई इस पप्पी का तो हो गया ट्रीटमेंट, अब भाई एक बार रेड किंग को देखते हैं। रेड किंग भी खाना नहीं खा रहा, पता नहीं क्या हो गया इसका, भी एक बार टेम्परेचर चेक करता हूँ। रेड किंग का सारा खाना छोटे पप्पी खा गए, या फिर भाई मुझे ये लग रहा कल इसे हम घुमाने नहीं लेकर गए थे ना, इसलिए भाई से ना खाना नहीं खाया। रेड किंग के साथ भाई अभी तो दिक्कत है, जिस दिन घुमाने नहीं लेकर जाते हैं जो भाई खाना वाना नहीं खाता, कल भाई थोड़ी मजबूरी होगी थी, देसी मिल लेने जा रहे थे। और गाइस रोक्सी पूरा एग्रेशन कर रही इसके ऊपर, बस तो अटैक अटैक ना कर दिए, वरना भाई फिर रेड किंग ऐसा अटैक करेगा या अटैक करने लायक नहीं रहने की। कहां जाली भाग, चलो पहले ही गुड बाय, कल को हर हाल में मिस्त्रियों को पकड़ कर लाऊंगा, वरना भाई अब तक तो कब का कैनल बनकर रेडी हो जाता। रेड किंग बेचारा परेशान हो लिया केज में रह रहे के। टेम्परेचर तो वैसे भाई नॉर्मल ही है, 102 नॉर्मल हुआ है, थोड़ी बहुत देर में 102 ही हो जाएगा, 102 पे स्टॉप हो जाएगा।
और गाइस टेम्परेचर चेक करने का यही वाला तरीका हुआ है, इसीलिए भाई मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि भाई जरूरत पड़ जाए टेम्परेचर चेक करने की। जैसे कि जी हमारी कोको होगी, कोको को डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते, इसलिए भाई इसका टेम्परेचर चेक करके डॉक्टर से पूछ ले, समझ रहे हो। तो गाइस अभी कोको के बीच वाले थन भी फूट गए, देखना भाई कैसे मुआ दारी निकल गए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बस भाई अभी अपने पप्पीज के पास ना बैठ जा, वरना भाई दिक्कत हो जाएगी। बेचारी ने फर्स्ट टाइम वैसे पप्पीज दिए, और गाइस देख लो कैसी हालत होगी इसकी। वो तो भाई शुक्र है मैं दूसरी फीमेल लिया, वरना भाई इसके पप्पीज भूखे रह जाते। ये सारी की सारी दवाई कोको की रखी मैं भाई अब तक बहुत ही कम दे रहा था दूध की वजह से, बट भाई अब कोई दिक्कत नहीं है, चाहे भाई सारा दूध सूख जा। इनके नाम की वो देसी फीमेल होगी, उसी की बढ़िया डाइट करके दूध हो जाएगा उसके नीचे। पप्पीज बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए, वरना भाई पहले बहुत ही तगड़े थे। वैसे तो भाई मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है ना दूध वगैरह पिलाने की, बट भाई फिर भी वो वाली बात नहीं आ रही जो होनी चाहिए थी। अगर भाई हमारी कोको ठीक होती फिर देखना भाई कैसे होते बिल्कुल डबल। देखना भाई सारे मुंह कैसा ब्लडी ब्लड हो गया, जहां तक देखो वहीं तक चिट्टे हो गए। इसलिए भाई कोको इस वाले कमरे के अंदर बंद कर दिया, वो बैठी कोको बस थोड़ी देर बैठ जा। कोको के पप्पीज इसके पास छोड़ दिए, ये लग रहे। अगर भाई हमारी कोको ठीक होती फिर भाई कुछ नहीं करना पड़ा था, बट भाई अब देख लो 3-4 दिन से तो पहले देसी फीमेल ढूंढ रहे थे, वो तो भाई सुपर ऐसी देसी फीमेल मिलेगी, वरना भाई और ज्यादा दिक्कत होती। और गाइस ये वाला पप्पी सरों में सबसे अलग लेट रहा, क्योंकि भाई इसके पैर में से सारे कीड़े निकाल दिए, अब भाई चैन की नींद सो रहा, देखना भाई कैसा कर रहा। तो गाइस शाम हो गई, अब भाई रेड किंग को लेकर चलते हैं, खेत में ले जाना भी जरूरी है, वरना भाई खाना नहीं खाता है। भाई से ना रात खाना खाया ना सुबह खाना खाया, एक ही दिन में कमजोर हो गया पेट, देखना भाई बिल्कुल मिचक गया इसका। तो ट्रेनिंग वगैरह थोड़ी बहुत ही करवाऊंगे, क्या पता बीमार होगा रहा, ये कौन लोड रहा। वो तो भाई शुक्र है टाइट पकड़ रखा, वैसा तो भाई रेड किंग कुछ कहता नहीं, बट भाई सा लगा होगा कौन है, कोई चिंटू की तरफ होगा हमारा कैसे हो गया। और गाइस रेड किंग बस भाई ओनली एक्सरसाइज का भूखा था, खाना तो भाई जाके खुद खा लगा, देखना भाई पहले की तरह पूरा एक्टिव है, कौन कह सके बीमार है। तो गाइस अब थोड़ी बहुत देर इसकी भागा दौड़ी करवाते हैं, और गाइस रोज की तरह नहीं करवाने के, फिर भाई थोड़ी बहुत देर में एक डॉग लेकर आना जर्मन शेफर्ड का, एक दोस्त ले होगा, बट भाई वो जर्मन शेफर्ड वाला डॉग थोड़ा सा एग्रेसिव है, वैसा तो भाई 1 किलोमीटर दूर से ही लाना, बट भाई 1 किलोमीटर में क्या पता लुड़काई दे हमें खत्म। तो गाइस अब रेड किंग के 3-4 चक्कर ऐसे लगवाते हैं, चल भाई रेड किंग भाग जा, जा लिया, फिर भाई वो जर्मन शेफर्ड वाला डॉग लेकर आऊंगे, चल 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 शिवम तेरा पैर ना पकड़ लो, फिर करिए चल चल चल। वैसे तो भाई वो पैर गलती से भी नहीं पकड़ने का, कोको तो करता है गड़बड़ कभी कभी, कोको ने तो एक बार मेरा फेस पकड़ लिया था पैर की जगह पे, देखना भाई दोनों के दोनों एबीपीटी पूरे एक्टिव है, भागा दौड़ी कर रहे, रेड किंग भी ऐसा ही हो गया, यो भी ऐसा ही हो गया। तो गाइस बहुत होगी रेड किंग की भागा दौड़ी, अब भाई एक बार से घर पर छोड़ दो, फिर भाई एक बार कोको का पप्पी इसको दूध पिला के डॉग लेने चलेंगे। तो गाइस ये रहा वो डॉग जिसे लेकर जाना, बट भाई वो तो भोकता हुआ रहा, यो तो भाई पहले अटैक करने की फिराक में, हाँ भाई चला गया मर गया नहीं। तो भाई साहब इस डॉग को ले जाने का थोड़ा सा प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि भाई मालिक का ज्यादा ही लगाव कर, जैकी तो मुझे खा गया होता भाई, इसे थोड़ा दूरी कर लो, अरे अपने पास ही रखो इसे, अगर भाई हमले का गए रास्ते में 5-6 बार खाओगे मुझे। तो गाइस आ गया फाइनली घर पे, भाई उस देसी फीमेल को बाहर लाता हूँ घुमा के, और गाइस अंदर सब वही बो होगी मेरे अति, बट भाई आज पता नहीं इसका क्या हो रहा, खें कर रही पूरी तरह से, क्या हो गया। जब भाई मैं रेड किंग को लेकर घर पाया था तब भी भाई ऐसे ही कर रही थी, खें कर रही, जैसा खांसी होगी वो। और गाइस खाने के टाइम पे ये देख लो सारे के सारे कैसे एक ही जगह पे जमा हो गए, देसी वाली फीमेल को भी रख दिया। तो गाइस अभी बहुत ही देखभाल है, कोको का दूध पिला रहा, क्योंकि भाई कोको ने रो रो का बुरा हाल कर लिया था बिना अपने पप्पीज के, कोको के भाई ये वाले 4 थन ठीक है, इसलिए भाई निम से दूध पिला रहा, वरना भाई बेचारी का रो रो का बुरा हाल हो गया था, इसने नहीं भाई खाना वाना कुछ भी खाया, बेचारी ने फर्स्ट टाइम वैसे पप्पीज दिए थे, और गाइस देख लो क्या हो गया इसके साथ, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और एक ने भाई साहब को देखो कटोरे के अंदर ही घुस के बैठ गया, थोड़ी देर पहले इनकी माँ को खाना रखा था ना, यो इसी के अंदर घुस के बैठ गया, ये बैठी इनकी मदर। तो गाइस आज के व्लॉग की एंडिंग यहीं पे करता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, और गाइस लास्ट में सब्सक्राइब और कर देना।